तो दोस्तों फाइनली आज मैंने भी देख ली अदा शर्मा की आ चुकी फिल्म बस्तर को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भाई जब आप इस फिल्म को देख लोगे तो आपको हमारे देश में फैले हुए नक्सलवाद का वो ब्रूटल चेहरा देखने को मिलेगा जिसको आज तक लाल सलाम के चादर में लोगों से छुपा कर रखा गया है, ये बताते हुए कि भाई लाल सलाम का मूवमेंट क्या है, क्यों हमारे देश के गरीब गुरबा, हमारे कई सारे स्टेट्स के गरीब लोग, पिछड़े हुए इलाके के लोग नक्सलवाद को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया वो सब सिस्टम के सताए हुए हैं ना, ये बात हमें कई सारी फिल्मों में बताई गई है ना। तो भाई इन्हीं सभी परतों को उधेर रही है बस्तर, जिसको देखकर आप ये बात बोलोगे कि भाई ये तो एक बहुत ही बड़ा नेक्सस है जो कि हमारे देश को भैया ऐसे गर्त में ले जाएगा जहां पर हमारे देश के लोगों का जीना दुर्लभ हो जाएगा अगर इनकी सोच हमारे देश में सक्सेसफुल हो गई तो। तो चलिए देरी नहीं करते और आपको बस्तर की कहानी बताते हैं और आपको ये बात हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस फिल्म को आपको देखना क्यों जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों अगर मैं बस्तर की कहानी को एक एक लाइन में रिव्यू करूं ना तो मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहूंगा कि भैया हमारे देश में वो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना जो कि भैया माओवाद को अपना सब कुछ मानती हैं और उसी कॉन्सेप्ट को हमारे देश में इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी सरकारें लेकर आना चाहती हैं, भाई उन सभी पॉलिटिकल पार्टियों की कलई खोलने वाली है ये फिल्म। अब देखिए हमारे देश में लाल सलाम को सपोर्ट करने वाले कुछ सरकारों की सरकारें चली थी और भाई जहां जहां इन लोगों की सरकारें चली थी वहां पर क्या हुआ। अब अगर मैं मुंबई की बात करूं तो भाई मुंबई में जब लाल सलाम पहुंचा था यानी कि भैया लाल झंडा लगाकर जब वहां के मजदूरों को उनका न्याय दिलाने की बात की गई तो भाई मुंबई का जो कपड़ा उद्योग था ना वो पूरी तरह से चरमरा गया और भाई वहाँ पर जितनी भी कपड़ा बनाने वाली कंपनियाँ थी वो उठकर चली गई दूसरे स्टेट में, ये बोलकर कि भैया अगर इस स्टेट में अगर हम रहते हैं, मुंबई में अगर रहते हैं और इन लाल झंडाधारियों के नीचे काम करते हैं तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और भाई इन लाल सलाम करने वालों की जो सरकार ना एक और स्टेट में थी, क्योंकि भैया हमारे देश का एक ऐसा मेट्रो सिटी था जहाँ पर लोग नौकरियों की उम्मीद लेकर पहुँचते थे, कोलकाता की मैं बात कर रहा हूँ। अब भाई लाल झंडाधारियों की सरकार जब इस वेस्ट बंगाल में थी तो भाई वहाँ पर क्या हुआ, जितने भी उद्योग बंगाल में थे वो या तो ख़त्म हो गए या फिर वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए। और आज वेस्ट बंगाल की हालत क्या है, तो भाई जिस कोलकाता में लोग काम की तलाश के लिए पहुँचते थे वहाँ के लोग अब भैया काम की तलाश के लिए कोलकाता से बाहर देश के दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। यानी कि भैया लाल सलाम को सपोर्ट करने वाले सरकारों का, जिन लोगों ने मदद किया है ना उनके क्षेत्रों का ये हाल हुआ। तो भाई इस फिल्म में यही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि भैया लाल सलाम को हमारे देश में जो लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ना उनकी सोच कितनी ब्रूटल है और ये लोग कितने खतरनाक हैं हमारे देश के लिए। यानी कि इस फिल्म में खास तौर पर बस्तर में हुए उस हमले की कहानी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, यानी कि इस फिल्म की जो कहानी है ना वो बस्तर में घटित एक घटना को आपको दिखाने की कोशिश करती है कि भैया किस तरह से वहां पर नक्सलवादियों ने हमारे देश के बीएसएफ के 76 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, यानी कि भैया उनको शहीद कर दिया था। और उसके बाद जब ये हमारे जवान देश के उस उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे तो उसका जश्न पूरे इंडिया में मना था, मतलब जहां जहां लाल सलाम को सपोर्ट करने वाले लोग रहते थे, इवन हमारे देश के एक प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थान में भी बच्चे झूम झूम के गा गा के ये बात कह रहे थे कि देखो हमारे सिपाहियों ने आज कितना बड़ा काम किया है, इस दमनकारी सरकार के कुछ मुलाजिमों को मार गिराया है। यार ये स्थिति है हमारे देश में। और भैया इन लोगों को प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं, तो भैया हमारे देश के कुछ पढ़े लुखे लिबरल टाइप के लोग जो कि भैया खुद को ये बात कहते हैं कि भाई वो बुद्धिजीवी हैं और उनको पता है कि भैया समाज में
किस तरह से रहना चाहिए और लोगों को समाज में क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए। इन बुद्धिजीवियों के भी कलई इस फिल्म में खुल रही है कि भैया कैसे ये लोग इन लाल सलाम को सलाम करने वाले लोगों तक मुखबिरी कर करके हमारे देश के जवानों को इन लोगों ने मौत के घाट उतरवाया मेरे भाई। मतलब इस फिल्म में ऐसे कई सारे ज्वलंत मुद्दों को दिखाने की कोशिश की गई है जो कि आज तक आप लोगों ने किसी फिल्म में नहीं देखी होगी। हाँ, हम लोगों ने एक बात तो देखी है लाल सलाम पर आधारित फिल्मों को लेकर के, भैया लाल सलाम को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर पब्लिक को बताया गया है। और भाई इस फिल्म में एक बात ये भी बताई गई थी कि भैया ये जो लाल सलाम को सपोर्ट करने वाली जो एक जमात है ना, वो इस देश में किस तरह से घुल मिल गई है, यानी भैया इनका पैड जो है वो हमारे सिस्टम में इतने अंदर तक जा चुका है कि भाई इनसे मुकाबला करना आज आसान नहीं है। चाहे हम बात करें अदालतों की, चाहे हम बात करें अपने देश के शिक्षा संस्थानों की, या फिर हम बात करें भैया अपने देश के पॉलिटिक्स की, इन लोगों की जड़ें जो है वो हमारे देश में इस कदर अंदर जा चुकी है कि भैया इनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों वाकई में विपुल अमृतलाल शाह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने भाई लाल सलाम की तो पूरी तरह से कलई खोल कर रख दी है मेरे भाई। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने बस्तर को देखा है कि नहीं। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि भैया आप भी इस फिल्म को जाकर जरूर देखिएगा। जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि भाई हमारे देश में कितने प्रकार के दुश्मन इस वक्त अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों वाकई में मुझे ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी और इस फिल्म को देखकर तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा कि भैया मुझे ये फिल्म ऐसी लगी कि मैं इस फिल्म को कम से कम 4 स्टार दूँ। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।